कई सालों के बाद वासेपुर में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की हुई शुरुआत। आपको बता दें, वासेपुर में कई सालों के बाद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। जिले के हर क्षेत्र से टीम पहुंचे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कांग्रेस नेता राशिद रजा अंसारी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां फीता काटकर खेल का उद्घाटन किया गया। कोरोना को देखते हुए कांग्रेस नेता ने सभी खिलाड़ियों और दर्शकों को मास्क वितरण किए और सोशल डिस्टेंस को लेकर पालन करने की बात कही। बता दें, मैच में 5 ओवर का खेल खेला जाएगा, एक टीम में 6 खिलाड़ी। ये सवाल आपका बहुत बढ़िया कि कोरोना के लेकर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज टूर्नामेंट जो हो रहा है, ये वासेपुर निषाद नगर में भट्टा मोहल्ला इसको कहते हैं, और ये पहले भट्टा हुआ करता था। तो देखिए, युवाओं के बीच लगातार मेरा आना इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि मैंने हमेशा जो भी युवा है उनको मैंने प्रोत्साहन देने का काम किया है, चाहे वो खेल के थ्रू हो, चाहे और भी किसी के थ्रू हो, शिक्षा हो, यहाँ पे शिक्षा का स्कूल भी चलता है। तो हर मामले में मैं आगे इसलिए आता हूँ कि देखिए, किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। अब मान लीजिए खेल को ही ले लीजिए, तो खेल ऐसा है कि मैंने, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 23 मार्च को जाके मिला था सीएम से। अब मैंने मांग रखा कि इतना बड़ा आबादी है वासेपुर, अलगपाड़ा, आज़ाद नगर, एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, छोटा सा एक प्लॉट है, जल्दी लोग कहाँ जाएंगे? तो शॉर्ट पिच करवा रहे हैं लोग क्रिकेट। तो हम चाहते हैं कि अगर हमको लोग बुलाते हैं, जाहिर सी बात है, मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि मुझे बुलाए या नहीं बुलाए, फिर भी दर्शक अगर नहीं बुलाएंगे तो दर्शक के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि खेल जो है यहाँ पे, खेल के द्वारा, देखिए खेल का भी बहुत सारा स्कोप है, और मैं चाहता हूँ यहाँ के भी बच्चे हैं जो खेलते हैं वो भी जिला खेलें, राज्य स्तर पर जाके खेलें। और हम चाहते हैं कि जैसे आज सहबाज नदीम खेल रहे हैं, वैसे यहाँ के निवासियों के बच्चे खेले। रही बात कोरोना की, तो देखिए आज मैं एकदम साफ तौर पे बोल रहा हूँ कि आज के बाद कोई भी क्रिकेट ग्राउंड में आप मुझे नहीं देखेंगे। कारण है, मैंने ये आह्वान कल ही मैंने नया बाजार में कर चुका था। इन लोगों ने प्रोग्राम बहुत पहले रखा था, अगर 2-3 दिन पहले रखता तो मैं ये गेम रद्द करवा देता। वहाँ भी मैंने 500 मास्क कल बांटा है, और अभी भी यहाँ पे मैं मास्क बांटने का काम कर रहा हूँ। और आपके चैनल के द्वारा मैं सारे प्लेयर्स को और सारे लोगों को ये आह्वान कर रहा हूँ कि कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और अभी जो रिटर्न आया है वो और इससे मतलब कि ज़्यादा भयंकर रूप ले रही है ये। तो आप लोग सतर्क रहिए और अपने आप को बचाइए, जीवित रहिएगा। मानव जाति जीवित रहेगा तो बहुत क्रिकेट खेल लेंगे और बहुत फुटबॉल खेल लेंगे आप लोग। और अभी ये संदेश मैं मैच पर भी देने जा रहा हूँ यहाँ के लोगों को। और सबसे मैं यही बात कहूँगा कि मास्क लगा कर रखिए, यही एक अभी सबसे बड़ा हथियार है, और सैनिटाइजर रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए। और रही बात मेरी, तो मैं आपको बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि आज के बाद जहाँ भी कहीं भीड़ लगेगी, मैं कोशिश करूँगा कि भीड़ वाला प्रोग्राम कहीं पर ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।